Very good morning, dear student. So, in our last video, we discuss about the anemia common in Delhi school on page number 7070. So, we are going to see the same chapter, chapter number 8, a treat for mosquitoes. In that, we are going to discuss page number 71. So let's see what happened afterwards, no? Okay, so you can see this poster here. Are you able to see? Yes or no? Yes. Okay, let's discuss about this picture. Jaskreet, there is a poster on malaria just outside our class. So, ये कौन बता रहा है? जसक्रीत. जसक्रीत, there is a poster on malaria just outside our class. हमारे क्लास के बाहर क्या है? मलेरिया का एक पोस्टर्स है. Everyone goes out to look. और सभी देखने के लिए बाहर जा रहे हैं. Okay. Are you inviting mosquitoes? क्या आप सब इनवाइट कर रहे हो मस्कीटोज को? Yes or no? यस, हम कभी कभी सामने से करते हैं, उसको इनविटेशन देते हैं. नो, कैसे? अपनी जगह साफ नहीं रखते, सब वहाँ पे पानी इकट्ठा करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? मस्कीटोज आते हैं, उसकी वजह से हम बीमार होते हैं. सो व्हाट डज द पोस्टर सेज? ये पोस्टर हमें क्या बता रहा है बच्चों? सो वी हैव सीन लाइक दिस पोस्टर नियर आवर हाउस और हॉस्पिटल एक्सेट्रा. हमने ऐसे पोस्टर कई जगह पे देखे या नहीं देखे? यस. सो व्हाई दे पुट दिस पोस्टर? ये पोस्टर सब क्यों रखते हैं? क्योंकि सभी को जागरूक करने के लिए, टू अवेयर द पीपल. नो, हमें अवेयर रहना चाहिए, बी अवेयर. ये पोस्टर पे भी लिखा है. सो दे स्प्रेड मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया. सो डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस, फिल अप द पिट्स, कीप द वाटर पॉट्स, कूलर्स एंड टैंक्स क्लीन, दे शुड बी ड्राई एवरी वीक, यूज मस्कीटोज नेट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, स्प्रे Kerosene if water has collected at some places. So dear children, हमें अपना ध्यान पहले तो किसको रखना है? हमें ही रखना है. नो, अपनी जगह पे, अपने घर में, अपने टैंक में, आपके जो टेरेस होता है उसके ऊपर बड़ी सी टंक होती है ना, उसको अच्छे से क्लीन करके रखना है. अगर आप सब क्लीन करके रखोगे तो आप बीमार होगे नहीं, बिकॉज मस्कीटोज आते हैं तो फिर क्या लेके आते हैं? बहुत सारी बीमारी लेके आते हैं. तो उसके पहले ही हमें क्या करना है? अवेयर रहना है. ओके, नेक्स्ट. रजत, द पोस्टर सेज समथिंग अबाउट द लार्वा. ओके, ये पोस्टर हमें क्या बता रहे हैं? लार्वा के बारे में. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लार्वा डियर चिल्ड्रन? ओके, लेट मी एक्सप्लेन. मस्कीटोज के बच्चे होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? लार्वा. क्या बोला जाता है? लार्वा. लार्वा आर फाउंड इन द वॉटर. और ये जो लार्वा है, छोटे छोटे कीटाणु, वो कहाँ पे मिलते हैं? पानी के अंदर. ओके, आई एम गोइंग टू शेयर द पिक्चर ऑफ लार्वा. यू कैन सी इन द पिक्चर. ओके, एज यू कैन सी, ये क्या है? लार्वा है. दिखाई दे रहा है पानी के अंदर कितने छोटे छोटे, ये पानी कहाँ इकट्ठा हुआ? इसकी वजह से यहाँ पे मच्छर के छोटे छोटे बच्चे हुए हो. और ये मच्छर के छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं? फिर हमको बीमारी फैलाने में आगे जाते हैं. सो हमें इसको अवॉइड करना है बच्चों. ओके, नेक्स्ट. नैन्सी, दे आर बेबी मस्कीटोज बट दे डोंट लुक लाइक अ मस्कीटोज एट ऑल. हाँ, हमने जो देखे थे अभी मस्कीटोज के बच्चे, वो कैसे थे? बेबी मस्कीटोज थे, बट मस्कीटोज जैसे तो नहीं दिख रहे थे.
ओके आरती, वेयर डिड यू सी देम? आरती बोल रही है कि भाई तुमने कहाँ देखे? देन नैन्सी आंसर टू हर, देयर वॉज एन ओल्ड पॉट लाइंग बिहाइंड अ हाउस, इट वॉज फुल ऑफ वाटर फॉर सम डेज, व्हेन आई लुक्ड देयर आई सॉ सम टाइनी थ्रेड लाइक अ ग्रे थिंग्स स्विमिंग, आई वॉज सरप्राइज व्हेन मम्मा टोल्ड मी दैट दीज हैड कम आउट ऑफ द एग्स विद द मस्कीटोज ले इन वाटर एंड दे आर कॉल्ड द लार्वा. ओके सो मे बी आई विल आस्क इन द एग्जाम वॉट इज द मीनिंग ऑफ वॉट इज द लार्वा, देन यू हैव टू गिव द आंसर. ओके आई ऑल्सो हर्ड समथिंग अबाउट दिस ऑन द रेडियो. सो अभी नैन्सी बता रही है कि देर वॉज एन ओल्ड पॉट, एक पुराना पॉट था बिहाइंड अवर हाउस, अपनी हाउस के पीछे, इट वॉज फुल ऑफ वाटर फॉर सम डेज, और कई सारे दिनों तक वो पानी से भरा हुआ हमारे घर के पीछे था. व्हेन आई लुक्ड देयर आई सॉ सम टाइनी थ्रेड लाइक अ ग्रेट थिंग स्विमिंग, और मैंने छोटे 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 ऐसे कीटाणु जैसा उसमें देखा और कैसे पानी में स्विम मतलब कि तैर रहे थे. आई वॉज सरप्राइज व्हेन मम्मा टोल्ड मी दैट दिस हैड कम आउट ऑफ द एग्स, और ये मम्मा क्या बता रही थी मुझे कि ये तो अंडे के स्वरूप में आएगा, विच मस्कीटोज ले इन वाटर दे आर कॉल्ड लार्वा. ओके अभी आप सबको पता चल गया कि लार्वा किसको बोलते हैं. यस आई ऑल्सो हर्ड समथिंग अबाउट दिस ऑन द रेडियो, और मैंने रेडियो के ऊपर भी ये सुना है. नाउ नेक्स्ट टर्न इज अबाउट द रजत, रजत के बारे में. ओके रजत, व्हाट डिड यू डू? नैन्सी, पापा इमिडिएटली थ्रू अवे द वाटर. रजत ने बोला कि भाई फिर तुमने क्या किया? नैन्सी ने बोला कि पापा ने उसको इमिडिएटली तुरंत ही उसको निकाल दिया, तोड़ दिया, उसको फेंक दिया. ही क्लीन एंड ड्राई द पॉट एंड केप्ट इट अपसाइड डाउन सो दैट नो वाटर वुड कलेक्ट. सो पापा ने क्या किया, उसको अच्छे से क्लीन कर दिया, देन उसको क्या किया, सुखाने के लिए रखा कि जिसकी वजह से उसमें पानी इकट्ठा ना हो, और उसको उल्टा कर दिया. जिस क्रीत साजिया आंटी टोल्ड मी दैट इवन फ्लाइज स्प्रेड द डिसीज स्पेशली स्टमक प्रॉब्लम. रजत, बट फ्लाइज डोंट बाइट, देन हाउ डू दे स्प्रेड डिसीज? ओके जसक्रीत बता रही है कि भाई मुझे साजिया आंटी ने बताया था कि जो फ्लाइज होती है मक्खियाँ, वो भी हमें बीमारी फैला, वो भी हमें हमारे शरीर में बीमारी फैला दी है. तो रजत बता रहे हैं कि बट फ्लाइज जो मक्खियाँ होती है मधुमक्खियाँ, वो तो हमें काटती नहीं है, तो वो कैसे डिसीज फैला सकती है ना, ये भी सोचने वाली बात है. ओके सो आपको पता है बच्चों, मक्खियाँ जो होती है वो गंदी गंदी जगह पर बैठ जाती है और उसी गंदी चीज़ों से जो भी जर्म्स आते हैं वो अपने शरीर में आके चिपक लेती है, और जब वही मक्खियाँ हमारे खाने में बैठती है तो उसी शरीर में से वो जर्म्स हमारे खाने में जाते हैं, और वो खाने के बाद हम क्या होते हैं, बीमार होते हैं. सो कौन कौन सी बीमारी हो जाती है उसके बाद हमें? डायरिया, देन कोलेरा, देन टाइफोइड एक्सेट्रा. ओके वेरी गुड. नेक्स्ट ऑन मस्कीटोज चेन, डिवाइडेड योर क्लास इनटू टू और थ्री ग्रुप्स, ईच ग्रुप विल गो अराउंड टू चेक वन एरिया इन स्कूल और अराउंड इट, इट मस्ट केयरफुली नोट इफ वाटर हैज कलेक्टेड एनीवेयर एंड मार्क राइट वेयर इट फाइंड्स स्टैग्नेंट वाटर. सो वेयर इट फाइंड्स स्टैग्नेंट वाटर. Okay, so let's get started. So first, what do you have to do? You have to divide your class into two or three groups. आप सबको क्या करना है? Group के अंदर जाना है. And each group will go around to check one area in school or ground. और आप सबको एक area को अच्छे से choose करना है. Then you have to mark.
इट मस्ट केयरफुली नोट इफ वाटर हैज़ कलेक्टेड एनीवेयर। अगर अपने अपने स्कूल में आपने देखा है कि पानी कोई जगह पे इकट्ठा है तो उसको आपको राइट मार्क करना है। ओके, फॉर एन एग्जांपल, चलो लेट्स स्टार्ट। POT पॉट, पॉट में आपने देखा। देन TANK टैंक, टैंक में भी आपने देखा। देन यू हैव टू राइट राइट मार्क एनी ओपन स्पेस इन द स्कूल ग्राउंड। देन यू हैव टू राइट रॉन्ग गटर राइट। ओके, सिंस हाउ मैनी डेज हैज वाटर कलेक्टेड देयर। द वाटर हैज बीन कलेक्टेड 3-4 ऑलमोस्ट अ वीक। ओके, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दिस प्लेस क्लीन। ओके, सो एट होम वी आर रिस्पॉन्सिबल टू कीप द हाउस क्लीन। नो, अगर हम घर पे हैं तो कौन है रिस्पॉन्सिबल? हम हैं। इधर उधर फेंक देना नहीं है, पानी को अच्छे से वॉश करना है, एक ही पानी को एक जगह पे इतना दिन तक भर के रखना नहीं है, उसको क्लीन करना है। नो, ओके, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दिस प्लेस क्लीन। सो एट होम वी आर रिस्पॉन्सिबल टू कीप आवर हाउस क्लीन। नेक्स्ट, हु इज सपोज टू गेट द गटर्स एंड ड्रेन्स रिपेयर्ड। ओके, सो द गवर्नमेंट म्यूनसिपालिटी अथॉरिटी इज सपोज टू गेट द गटर्स एंड ड्रेन्स रिपेयर। कैन एनी लार्वा बी सीन इन द कलेक्टेड वाटर? यस, इन द कलेक्टेड वाटर देर वुड बी लार्वास। ओके, हैज इट कॉजेस एनी प्रॉब्लम इन द एरिया? राइट, सो यू हैव टू राइट यस। द एरिया बींग डर्टी इट मेक्स ईजी फॉर द मस्कीटोज टू ब्रीड, हैंस द मस्कीटोज हैज क्रिएटेड अ मैस इन द एरिया ओवर ऑल। ओके, सो मेक अ पोस्टर इन योर ग्रुप, मेक अ पोस्टर विद अ मैसेज टू कीप द कूलर टैंक ड्रेन्स एंड द एरिया क्लीन। वेर एवर वाटर कलेक्ट्स पुट अप योर पोस्टर्स इन एंड अराउंड योर स्कूल। सो दिस इज द वन काइंड ऑफ ब्यूटिफुल एक्टिविटी दैट यू हैव टू डू एट योर होम। आपको क्या करना है बच्चों? यू हैव टू मेक अ वन पोस्टर, जैसे कि हमने बी अवेयर वाला पोस्टर कैसा देखा था। ओके, लेट्स सी अगेन। ओके, सो हमने ये पोस्टर देखा, उसमें क्या क्या मेंशन किया गया है देखो। हियर 1, 2, 3, 4 पिक्चर्स आर गिवन हियर एंड इन द डाउन दे हैव रिटर्न नोटिस और यू कैन सी वन मैसेज। नो, एक अच्छे से मैसेज लिखा है कि भाई आपको ये नहीं करना है वरना क्या होगा, मलेरिया होगा, टाइफाइड होगा, चिकनगुनिया एक्सेट्रा। सो विद द हेल्प ऑफ योर क्रिएटिव आइडिया प्लीज मेक अ ब्यूटिफुल पोस्टर। आपको क्या करना है, एक अच्छे से एक पोस्टर बनाना है और आपको कहाँ पे रखना है, जहाँ आपने गंदगी देखी है, जहाँ आपने बहुत सारा पानी इकट्ठा देखा है वहाँ पे। ओके, आई होप यू विल डू। फाइंड आउट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एरिया अराउंड योर स्कूल क्लीन। राइट अ लेटर फ्रॉम योर क्लास रिपोर्टिंग योर फाइंडिंग्स एंड सजेशंस। फाइंड आउट टू हुम द लेटर शुड बी रिटर्न एंड टू विच ऑफिस इट शुड बी सेंड। सो You know all, dear children, कि हमारी स्कूल में तो बहुत सारा क्लीन होता है ना, कोई जगह पे ऐसा नहीं है कि वहाँ पे क्लीन नहीं है। Here, find out who is responsible for keeping the area. आपके घर के आसपास हो या फिर आपकी स्कूल में हो, आपको क्या करना है? Write a letter from your class. आपको एक अच्छे से लेटर लिखना है that please clean the area or etc. Okay, dear children, now on the next video we are going to see page number 74. Bye dear children, God bless you.